The question given is if the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0, 0 differ by unity, then to hame pata ka equation hota hai ax square plus bx plus c is equal to 0 aur roots hota hai x1 and x2. To x1 plus x2 a hota hai minus b by a and x1 x2 hota hai c by a. Yahan pe hame given hai ki x square minus px plus q is equal to 0. Iske roots hum alpha beta le lete hain. तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस पी बाई वन दैट इज पी एंड अल्फा बीटा हो जाएगा क्यू बाई वन दैट इज इक्वल टू क्यू. अब हमें गिवन है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही डिफर बाई यूनिटी मतलब वन. तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन. हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन. मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू इज इक्वल टू वन. That means p square की जो value है वो है 1 plus 4q के equal. So this is our required relation. Options check करते हैं तो option B is the correct answer.